हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हरे प्याज और आलू की एकदम लाजवाब रेसिपी। अगर आप बहुत ही आसान रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने प्याज को अच्छे से धो के काट लिया है। इसके साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में मैंने लिया है तेल, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे को अच्छे से क्रैक होने के बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज। मैंने व्हाइट अनियन का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे जब तक कि इसमें हल्का कलर चेंज नहीं आ जाता। आप चाहे तो इसको स्किप करके भी बना सकते हैं, बट ये डालने से अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं स्पाइसी करने के लिए 3 हरी मिर्च को बारीक काट के ले रहा हूँ। हरी मिर्च को भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। ये सब करने में आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, जल्दबाजी ना करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मसाले डालने से पहले हम इसमें आलू को ऐड करेंगे। आलू को मैंने क्यूब में काटा है, आप छोटे बड़े जैसे भी काटना चाहे, बट एक समान काटें, छोटे बड़े साइज में वो ना करें, नहीं तो कुछ पक्के रह जाएंगे कुछ कच्चे रहेंगे। लगभग 4 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनने के बाद देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब थोड़े मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर छोटे चम्मच से लिया है, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मसाले कम भी ले सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कलर लाना था इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप बहुत कम मसालों के साथ भी इसको बना के खा सकते हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे ही भून लेंगे जिसमें हल्दी का टेस्ट, जो कच्चा टेस्ट होता है, ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को बारीक काट के लिया है। और टमाटर डालने के बाद बहुत ज़रूरी है नमक डालना। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। और ये सभी मसालों को अच्छे से भुनेंगे टमाटर के साथ, लगभग 2 मिनट तक भुनेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखें, ये आलू बेस में बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्रेंड्स कटा हुआ प्याज। अभी देखने में प्याज आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ये बहुत कम हो जाएगा अभी जैसे ही गर्म होगा, क्योंकि ये हल्का हल्का सॉफ्ट होने के बाद देखिए इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए प्याज के पत्ते। अगर स्टार्टिंग में कम रखेंगे तो बाद में सिर्फ आपको आलू देखेंगे इसमें। 2 मिनट तक हमने इसको भी एक साथ में भून लिया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक। ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी होती है फ्रेंड्स, बनाना भी उतना ही आसान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लगभग इसको 6 मिनट तक पका दिया है, परफेक्ट पका है। आलू भी गल चुके हैं, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं है। अब इस समय चलाने के बाद हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला या चाट मसाला डालेंगे। मैंने गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, और इसके ऊपर से मैं डाल रहा हूँ कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, हमारी एक मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको पराठे, रोटी, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम टाइम में बन जाता है। इसको बनाने में 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके विनोद किचन हिंदी को सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।